इलेक्शन ईसीजी दिखाते हैं, रोहित आपके पास आ रहे हैं। इलेक्शन ईसीजी, ये रहा इलेक्शन का ईसीजी। ये ईसीजी क्या कहता है जरा देखिए। भारतीय जनता पार्टी 36 और 32 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप देख रहे हैं इसमें अभी नजर, यहां पे जीरो में नजर आ रही है हिमाचल का ईसीजी। ये हिमाचल का ईसीजी 8:45 पर जो दिखाई दे रहा है, क्या कहता है इलेक्शन का ईसीजी। और गुजरात का ईसीजी देखिए, भारतीय जनता पार्टी 127 के ऊपर टैली में 126 दिखाई दे रहा है। इधर देखिए 52 1-1 दोनों के लिए बढ़ा हुआ आम आदमी पार्टी आदर्श। ये है ये ईसीजी। ईसीजी जब निकलता है थोड़ा वक्त लगता है। और ऊपर देखिए टैली बदल रही है, 182 में से 182 भारतीय जनता पार्टी 126 पर आ गई, कांग्रेस 1 बढ़ी 51 पर गई, आम आदमी पार्टी 3 और आदर्श 2। ये रहा इलेक्शन ईसीजी। ये बड़ी खबर आपके सामने, जरा ध्यान से देखिए, आपके सामने बड़ी खबर। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक आपके ईशुदान गढ़वी पीछे हैं, हालांकि उम्मीद भी की जा रही थी, आपके ईशुदान गढ़वी पीछे हैं ये उम्मीद भी की जा रही थी, लेकिन बड़ी खबर है हज हार्दिक जिग्नेश और अल्पेश उनका पीछे होना ये बीजेपी के लिए चिंताजनक है। बिग ब्रेकिंग, गुजरात के दरियापुर से कांग्रेस के गयासुद्दीन शेख आगे। गुजरात के दरियापुर से मुस्लिम कैंडिडेट गयासुद्दीन शेख भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे। गुजरात से ये एक मुस्लिम चेहरा, बीजेपी 126 माफ कीजिएगा कांग्रेस के कैंडिडेट, माफ कीजिएगा मुझे सुनने में लगती है, 126 पर गुजरात में नरेंद्र मोदी जी का जो रिकॉर्ड था उससे कम हो गया है। अभी के जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं कांग्रेस 51 आम आदमी पार्टी 3 अदर्स 2। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। आप हिमाचल की अगर बात की जाए तो एक बार स्क्रीन देखिए, 35 कांग्रेस 3 अहमदाबाद, कांग्रेस 3 बीजेपी 10, कांग्रेस 3 बीजेपी 10 अमरेली, बीजेपी 3 कांग्रेस 1 दिल्ली। आइए चलते हैं, आपको लिए चलते हैं शिमला और वहां देखते हैं क्या चल रहा है। हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। 35-33 भारतीय जनता पार्टी, 35 कांग्रेस 33। ये जरा विक्रांत बताइए, क्या इसको लेकर कोई बातचीत चल रही है? लोग इंतजार करेंगे अभी कुछ बातचीत करने से पहले। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ है। मोहित बताइए। देखिए नेक टू नेक फाइट चल रही है और एक बड़ा अब जो सस्पेंस बना हुआ है कि कितने निर्दलीय जीत कर आते हैं। एक ताजा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि बीजेपी ने अपने जो बागी उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय जीत सकते हैं उनके पास अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगा दी है कि जीतने की स्थिति पर ये निर्दलीय वापिस एक बार फिर से बीजेपी के साथ जुड़े, इसकी कवायद अभी से शुरू कर दी गई है। तो नेक टू नेक फाइट चल रही है, बड़ी पार्टी कौन बनकर उभरता है ये देखना होगा, लेकिन बहुत शुरुआती रुझान है। सर्विस बैलेट से कह रहे हैं मोहित की 20 रिबेल्स जो हैं बीजेपी के उनसे अब वापस दे आर बैक इन टच। देखिए 21 उम्मीदवार हैं जो कि बीजेपी के बागी उम्मीदवार हैं और काफी मजबूत स्थिति में इनमें से एक दर्जन के आसपास बागी उम्मीदवार हैं जो कि अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन क्या ये बीजेपी के साथ वापस जुड़ेंगे? अगर कोई ऐसी यहां पर हंग असेंबली की स्थिति बनती है तो निर्दलीय ही डिसाइड करेंगे कि उनको किसके साथ जाना है। भारतीय जनता पार्टी के 21 बागी क्या 21 साबित होंगे या नहीं, इस पर निगाह रहेगी। हम आपके पास वापस लौटेंगे कुछ देर में। मोहित मल्होत्रा एक बार फिर से टैली आपके सामने। 182 रुझान भारतीय जनता पार्टी 126 कांग्रेस 51 आम आदमी पार्टी ने बढ़ाया।